नमस्कार, माय एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं दिनेश, और जैसा कि आपने देखा इसके पहले वीडियो नंबर 5 तक आपने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। संख्याओं के प्रकार तक मैंने चर्चा किया, जो टेट सीटेट पीआरटी शिक्षक भर्ती तथा केबीएस एनबीएस डीएसएसबी में अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हम लोग, और जो नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टीटी में बात करें तो 30 में से 11 से 12 क्वेश्चन हर बार टीटी में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। और जो संख्याओं के प्रकार की मैंने बात किया, 2 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, तो आप लोग अवश्य देखें, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी अदर परीक्षाएँ होती हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत या रेलवे में पेपर होते हैं, तो रेलवे के जो पेपर होते हैं उसमें भी नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अदर सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं वीडियो नंबर जो हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में बात करने जा रहे हैं, उससे बात करेंगे क्रमागत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो आते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर पे, क्रमागत संख्याओं पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम सिकेंडो में कराने के तरीके दिखा रहा हूँ। शायद बहुत लोगों ने नहीं परिचित होंगे उससे, तो आते हैं। लॉन्ग प्रोसेस यूज करते हैं संख्याओं के, वो कुछ नहीं, 2 सेकंड में 5 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर आते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और एक बात थोड़ी सी और बताना चाह रहा हूं कि जो सीटेट का आगामी सीटेट संभावित जो दिख रहा है कि आपको सीटेट 2020 जुलाई में पेपर होने जा रहा है या होने की संभावनाएं हैं जैसा कि लग रहा है, तो उसकी लाइव क्लासेस आपको रोज मिलेगी। बस एक दिन का और वेट करिए, हमारा स्टूडियो तैयार हो जाए, तो उसके बाद डेली का डेली आप प्रतिदिन आपको लाइव क्लासेस सारे टीचर्स की आपको रेगुलर मिलेगी। वेट और इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे एडमिशन ले चुके थे, नहीं भी लिए तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस 20 से 25 दिन में सारी करवा दी जाएंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 घंटे डेली क्लासेस आपको चलेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और उससे बाहर सीटेट में कुछ नहीं आने वाला है। तो चलते हैं, आज हम मैथ के सेक्शन शुरू करते हैं, वीडियो नंबर 6 गए और जो क्रमागत संख्याएं आते हैं, बात करते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत को कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता क्या है, देखिए कोई चीज़ क्रम से चले, कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 जोड़ा जाए 4 हो गया, फिर 4 में 2 जोड़ा जाए 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा जाए 8, फिर 2 जोड़ा जाए 10। तो आप देख रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्रम से चल रहा है, जो भी चीज़ें क्रम से चले हो क्रमागत हो गया। जैसे बात करूं यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 में 2 जोड़ा जाए 5 हो गया, फिर 2 जोड़ा जाए 7, फिर 9, 11। तो आप देख रहे हैं क्रम से नंबर है, मतलब 2 जोड़ रहे हैं तो क्रमागत मिल रही है। तो ये क्रमागत देख रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो पहली सम संख्या है तो आगे भी सम मिलेगी, ये पहली संख्या विषम है तो आगे भी विषम संख्या मिलेगी। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि यदि पहली संख्या सम होती तो आगे भी सम मिलेगी, यदि पहली संख्या विषम होती तो 2 जोड़ने पे अगली भी विषम होगी, यदि पहली विषम है तो आगे भी विषम होगी, पहली सम है तो अगली भी सम होगी, राइट। और जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती, 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती, तो इसमें क्या होता है, हम लोग इनफाइनाइट तक पहली संख्या प्राकृतिक नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 होते हैं। और नेचुरल नंबर आपको बता दूं, 1 से स्टार्टिंग होता है, इसमें 1 ऐड होता है, देख रहे हैं इसमें 1 ऐड किया जाता है, 1 जोड़ने पर अगली संख्याएँ प्राप्त होती हैं, तो 1 संख्याएँ जोड़ने पर प्राप्त होती हैं, राइट। तो हम समझ गए यहाँ पे कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखने का प्रयास करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। आते बात करते हैं हम क्वेश्चन, जैसा मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 250 है, देख रहे हैं 250 है, 250 है, तो फिफ्थ सम संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये छोटा सा क्वेश्चन, तो इस पर लोग क्या करते हैं, अच्छा 5 का हुआ तो आसानी से लोग फॉर्मेटिंग लगाते हैं, कैसे करते हैं, एक्स फिर 2 जोड़ेंगे एक्स प्लस 2, फिर 2 जोड़ेंगे एक्स प्लस 4, फिर 2 जोड़ेंगे एक्स प्लस यहाँ पे 6,
फिर ये दो जोड़ेंगे x प्लस 8, तो ये इनकी क्रमागत पांच क्रमागत सम संख्या होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, तो ये तो क्रमागत पांच संख्याएं हैं, बट इससे पांच के जगह पे 50 क्रमागत पूछ ली गई होती तो आप क्या करते, तो प्रॉब्लम होती ना। तो आप देखिए, हम इसके अनुसार करते कि पहली सम, दूसरी सम, तीसरी सम, चौथी सम, पांचवी सम। तो सम के लिए भी यही होता है और विषम के लिए। मैं कहता पांच क्रमागत विषम तो सेम एच, यदि पहली सम तो आगे भी सम होगी, यदि पहली विषम तो आगे भी विषम होगी। कहने का मतलब, मानने का जो तरीका होता है, सम और विषम सेम होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतनी जल्दी हम क्वेश्चन करवा देंगे, बट ये तरीके नहीं, ये एकेडमिक का मेथड है। तब भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके कराता हूँ, फिर आपको मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे पहली सम एक्स, फिर यहाँ पे हम जोड़ते हैं इसको, यहाँ पे ऐड करते हैं, और फिर यहाँ पे देखिए ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में फिर अगला यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में यहाँ पे देखिए पाँच कितना है, 250। तो यहाँ पे 250 कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, तो यहाँ पे 5x लिखता हूँ। यहाँ पे 2, 2, 4, देखिए 2, 2, देखिए 2 यहाँ पे और 4, 6, 6, 12, 12 वाट कितना हो गया 20, तो यहाँ पे हो गया 20 बराबर ये 550, राइट। ये तो आ गया, x को x से जोड़ा, मतलब सेम बिरादरी को जोड़ेंगे, x को x से, y को y से जुड़ता है, अंक अंक से जुड़ता है, मतलब आपको पता होगा सेम बिरादरी में साथी होती, सेम कास्ट होनी चाहिए। वैसे भी संख्याओं की भी सेम, x को वेरिएबल को वेरिएबल से, वह वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, x x से होगा, y से ही जोड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने x है, 5x, मतलब 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, 5 आम, तो 5x, और 2 और 4, 6, 6, 12 वाट 20, यहाँ पे 20 बराबर 250 की हो। अब आप ये देखिए, अंक है, अंक अंक से भाई जुड़ता घटता है, तो 20 उधर जाएगा, दूसरे के घर में जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x बराबर 250, 250 माइनस 20, तो आप देख सकते हैं 250 में से 20 गया, तो 200 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 5x बराबर 230। अच्छा, आप देख रहे हैं कोई चीज़ गुणा में होता है तो दूसरी साइड क्या करेगा, भाग करेगा, क्या करेगा, भाग करेगा यहाँ पे, तो 5 से ये भाग करेगा, तो देखिए 5 और 20 यहाँ पे कितना आएगा, 4, 5 और 20, और यहाँ पे 3 बचेगा, 5 और 30, तो x का मान कितना आएगा, 46। तो आप देख सकते हैं कि पहली संख्या जो आ गई 46, x का मान 46, मैंने पूछा पांचवी संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये रही आपकी पांचवी संख्या, और ये फिफ्थ नंबर आपका हो गया x+8। x+8 का मतलब x का मान 46 आया है, 46+8 जोड़ दिया जाए, 8 और 6 कितना हो गया, 14, ये 5 54, तो आप देख सकते 54 है। तो इतना टाइम लगा, आप देख सकते यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आपको क्लियरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और आंसर कितना आया, 54 आया, 46 ये, 8 ये जुड़ेगा, तो ये आपकी पांचवी संख्या 54 आई। लेकिन आपको, अब दिखाता हूँ आपको अपना तरीका, 2-5 सेकंड का आंसर, थोड़ा सा नजरें गड़ा के रखिएगा व्हाइट बोर्ड पे, और आते हैं हम शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से। इससे आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ये क्रमागत 5 की जगह 50 होता, 100 होता, 200 होता, तब भी आपका आंसर 1 सेकंड में आता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे नेक्स्ट में वीडियो, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, फेमस हो गया, उतनी ज़्यादा वीडियोस आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो आते हैं, बात करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, बात को समझने का प्रयास करें। मैं अपने हिसाब से लेता हूँ 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 10, बताओ क्रमागत कितनी संख्या है, 5 संख्या है। इनका मैं जोड़ता हूँ, इनको जोड़ता हूँ, 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20 और 10 कितना, 30। अब मैं कहता हूं इसका योग कितना है, 30 है। योग कितना है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना आ रहा है, यहां पे 30 है। मैं अपने हिसाब से इसको क्या किया, लेट किया हूं, माना हूं, मान करके आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि 5 संख्याएं दी हैं और 5ों संख्याओं का योग कितना है, 30 है, और 5ों संख्याओं का योग 30 है। तो आप बताओ 5ों संख्याओं को हम योग को 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से इसको भाग कर दें, 5 बराबर भागों में विभाजित कर दें, तो अब बताइए क्या आएगा। इसको जब विभाजित कर रहे हैं तो 5 का 30, तो आप बताइए ये मान कहाँ पे आया, ये मध्यमान को बता रहा है। देखिए मिड वैल्यू को बताता है, क्या बता रहा है, मध्यमान को बताता है, मिड वैल्यू को बता रहा है कि ये जो मैंने विभाजित किया है,
संख्याओं के योग को जब संख्याओं की संख्या से जितनी संख्याएं होंगी उनसे जब भाग करेंगे, भाग करने के बाद जितना आएगा वो मध्यमान को बताता है, मिड वैल्यू को बताता है। कहने का मतलब है ये है, और इसको जब तोड़ा जाएगा तो बीचों बीच में, मतलब है ना, पांच इक्वल पार्ट पे डिवाइड करें। वैसे भी आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये तो आया मध्यमान, मध्यमान मिड वैल्यू आ गई। लेकिन यदि हम पहली और लास्ट संख्या को, जो मिड वैल्यू आ रही है, आप देख रहे हैं जैसे इसमें मिड वैल्यू लाना है, बीचों बीच से तोड़ना है, मार्कर बीचों बीच से तोड़ना, तब लास्ट क्लास को पकड़ेंगे और प्रेस करेंगे, बीचों बीच से दो खंडे को तोड़ेंगे। तो वैसे ही करना क्या होता, पहली और लास्ट को पकड़ करके जोड़ करके टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, बीचों बीच का मान आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे पहली और लास्ट, ये पहली संख्या और लास्ट संख्या, इन दोनों को पकड़ते हैं, पकड़ करके इसको जोड़ देते हैं, और दो संख्याओं को जोड़कर टू इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, तब भी हमारा 10 और 2 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तब भी ये आएगा मध्यमान। क्या आएगा? मध्यमान, मध्यमान। तो यहां से समझ में आ गया कि कैसे हम निकालेंगे मध्यमान, बीच का लोकेशन आ गया, तो संख्याओं को कैसे ट्रेस करेंगे। तो समझ में आया कि संख्याओं के योग को, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी बीचों बीच का मान जब पता हो जाएगा, जैसे हम इतनी बड़ी संख्या है, बीच का मान हो गया तो लेफ्ट भी चल लेंगे, राइट भी चल लेंगे, हर साइड में पढ़ लेंगे। तो आप समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मध्यमान आएगा, बीचों बीच का मान, या बीचों बीच का लोकेशन पता होगी, पहली दूसरी तीसरी जो भी संख्या पूछेगा वो कर सकते हैं, और बिना पेन उठाए कर सकते हैं। तो विदाउट पेन कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। आते हैं, बात करते हैं हम इस पे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के, अभी ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल लिया हूँ, बात को समझने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पे, विषम संख्याओं में, तो देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये भाई एक नहीं लिया, इसीलिए पहला कोई जरूरी, शुरुआत से कहीं से भी हो सकती है। 3 और 5, 8, 8, 7, 15, 8, 7, 15, और देखो 11, 9 कितना हो जाएगा, 11, 9, 20, और 15 इधर है, 20 उधर है, 15, 20 कितना हो जाएगा भाई बताइए। 15 यहाँ पे देखिए, 3 और 5 कितना, 8, 8, 7, 15, और 15 और यहाँ पे 20 जोड़ देंगे तो बताइए कितना हो जाए, 35, राइट। तो ये हो गया आपका योग 35। अच्छा, 35 को 35 को जब हम 1, 2, 3, 4, 5 से भाग करें तो कितना आएगा, 5, 7, 35। तो देखिए मध्यमान आ रहा है ना, आ रहा है बीचों बीच का मान। लेकिन हमको जोड़ ना ही, जोड़ नहीं चाहिए हमको, यदि पहली और लास्ट संख्या भी हो तभी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिया रहेगा योग, क्या दिया रहेगा, योग। तो हमको समझ में आ गया योग, योग कितना है, 3 और 5, 8, 8, 7, 15, 15, 9 और 11, कुल मिला के हो गए 35। 35 को क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग किया कितना आ गया, 7। तो ये देख रहे होंगे कि ये मध्यमान को इंडिकेट कर रहा है, किसको, मध्यमान को, कि संख्याओं को योग को, संख्याओं के योग मतलब टोटल योग को, जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग किया जाए तो मध्यमान आता है, और मध्यमान आने के बाद हमको संख्याएं लोकेट हो जाएंगी, राइट। तो इस बात को समझ में आया, यदि यहां पे क्वेश्चन बोला होता 5 क्रमागत संख्या है जिनका योग 35 है, आप बताइए पांचवी संख्या, तो मैं ऐसे बनाता हूं यहां पे लाइन खींचता, 1, 2, 3, 4, 5, ये है इसका मध्यमान। और मध्यमान को कितने बराबर भागों भाग करेंगे, 5, 5 से जब भाग किया कितना आया, 7। इसका मतलब समझ गए पांचवी संख्या हमारी कौन सी, यहाँ पे तीसरी मध्यमान क्या होगा भाई, 2 इधर 2 इधर, बीचों बीच का मान, ये मध्यमान हो गया। मध्यमान कितना आ गया, 7। 7 के बाद अगली जो संख्या होगी हमारी वो कौन सी होगी, 2 जोड़ेंगे 9 होगी, अगली जो हो गई वो कौन सी होगी, 11 हो जाएगी, अगली क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसके घटाएंगे 5 हो जाएगी, इसके पहले क्या होगी, 3 होगी। तो देखिए 3, 5, 7, 9, भाई विषम है तो 2 2 जोड़ते रहेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से हम निकालेंगे। तो आते हैं आपके समझने का प्रयास किया होगा, आपने नहीं समझा वीडियो को आगे पीछे करिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्रमागत 5 पर आते हैं और यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से संख्याओं को निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे 5 क्रमागत, तो ऐसे ही लाइन खींचेंगे, दिमाग में लाइन खींचेंगे, एकदम आंखें बंद करके खींचेंगे, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन खींचा, मैं समझ गया यहाँ पे बीच में होगा, ये 5 हो गया। अब समझने का प्रयास करें, यही होगा आपका मिड वैल्यू, MB का मतलब हो गया मिड वैल्यू, मध्यमान की बात कर रहे हैं, मिड वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मिड वैल्यू कैसे आएगी, संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पे 250,
संख्याओं के योग को जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग करेंगे, एन का मतलब जितनी संख्याएं होंगी, है ना, जितनी संख्याएं, तो आएगा मध्य मान। मध्य मान आता है, तो आता है मध्य मान। संख्याओं को योग को संख्याओं की संख्या से, जितने नंबर ऑफ संख्याएं होंगी, 5 संख्याएं 6 संख्याएं 8 संख्याएं 10, उनसे जब भाग करेंगे तो आएगा मध्य मान। तो आते हैं, बात करते हैं 250 से योग। योग को कितनी संख्याएं हैं, देखिए 5 क्रमागत, 5 consecutive, सम ऑफ 5 consecutive इवन नंबर इज 250, देन फाइंड आउट 5th इवन नंबर। तो 20 देख रहे, 250 को हम 5 से डिवाइड करते हैं 5 से, तो आएगा 50। तो आ गया मध्य मान, माध्यमान नहीं, मध्यमान लिखिए, मध्यमान। तो आपको समझ आ गया कि मध्यमान कितना है आपका 50 आ गया मध्यमान। देखो अब आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो आपको तीसरी संख्या समझ में आ गई कि थर्ड नंबर कौन सा होगा। थर्ड नंबर आपको समझ में आएगा 50 हो गया। इसके बाद दो जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, और दो जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। देखिए तो आपको समझ में आ गया कि बीचों बीच की संख्या कितनी आ गई, 50 हो गई, फिर 52 होगी, फिर 54 होगी। सेकंड में आंसर आएंगे, आपको 2 सेकंड में फिर से मिटाता हूँ, फिर से लगवाता हूँ। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर लेंगे। अब बिना पेन उठाए हम क्वेश्चन को करते हैं। जैसे आपके पास आया 5 क्रमागत, 5 consecutive इवन नंबर इज 250, कि 5 क्रमागत सम संख्या हो गया, 250 है तो पांचवी संख्या, तो 250 को 5 से डिवाइड करना। जैसे 250 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 50। कौन सी आएगी, 50, 5 है, 5 में से ये आ गया 50, 50। तो ये कौन सा होगा, 50 के बाद कौन सी होती है सम, 52 भाई, 52। फिर उसके बाद क्या होगी, 52 के बाद क्या होगी, 54 आएगी, राइट, तो होगी 54। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं पे होता कि 25 क्रमागत होती सम संख्या है, बात को समझना, 25 क्रमागत होती और यहाँ पे कुछ और कर लीजिए, यहाँ पे 25 क्रमागत होती और यहाँ पे 2500 होती, तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, 25 क्रमागत होती तो क्या करते हैं, बात को समझने का प्रयास करें। तो अब वही चीज़ें यहाँ पे दिक्कत होती हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे, राइट। तो उससे पहले मैं छोटा सा और विषम संख्याओं पर कराता हूँ, फिर इतने बड़े क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। तो पहले छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन, 50 क्रमागत, 72 क्रमागत, जो पॉसिबल नहीं होगा एक्स मान करके, जो एक्स मान करके पॉसिबल नहीं, वो इस कॉन्सेप्ट से आएगा क्वेश्चन। तो बात को समझिए, यहाँ पे मैं लेता हूँ नेक्स्ट 9 क्रमागत, सम के जगह विषम संख्याओं का योग, और विषम संख्याओं का योग आएगा यहाँ पे, ये देखिए 569। अब यहां पे आ गया, यहां पे 549। तो देखिए यहां पे किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, और यहां पे हम ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं यहां पे आठवीं संख्या, 8th नंबर बताइए, आठवीं सम के जगह विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं कि सम ऑफ 9 ऑड नंबर इज 549, सम ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 549, कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 549 है, तो फाइंड आउट 8th विषम, मतलब मीन्स ऑड नंबर, फाइंड आउट 8 ऑड नंबर, आठवीं विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान। तो 8 आपको पता है कि 8 के भाई 8 का आधा नहीं कर पाएंगे, एक नंबर ये हो गया, 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर, तो आप देख लीजिए 4 इधर हो गई और 4 इधर हो गई, 4 संख्याएं इधर और 4 संख्याएं इधर, ये हो गई। तो ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हो गई पांचवी संख्या, कौन सी हो गई, पांचवी, फिर इधर क्या हो गई, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ऐसे चलेगी। तो हमको समझ में आ गया कि ये हो जाएगी बीचों बीच की, ये कौन सी हो गई, मध्यमान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मध्यमान, मिड वैल्यू आ जाएगी। तो समझ में आया कि ये मध्यमान है, और मध्यमान कब आएगा, जब हम संख्याओं के योग को 549 को भाग करेंगे किससे, 9 से, तो 9 6 54, 9 1 9 कितना आया, मिड वैल्यू हमारी जो आई, मध्यमान जो आया वो कितना आया, 61 आया। तो मध्यमान कितना आ गया, 61 आया। तो हमको समझ में आ गया मध्यमान है 61, वो भी कैसा, विषम है भाई,
तो विषम अगली जो विषम आएगा 62 के बाद भाई दो जोड़ेंगे, एक विषम से अगली विषम में बढ़ने के लिए दो जोड़ते हैं, एक सम से अगली सम जोड़ने के लिए दो, अगले सम या अगले विषम को पाने के लिए सम से सम जाने के लिए या विषम से विषम जाने के लिए दो ऐड करते हैं, याद रखना। तो वहां पे 6 और फिर अगले जोड़ेंगे, यहाँ सॉरी 61 में दो जोड़ा कितना हो गया 63 में दो जोड़ेंगे यहाँ पे फिर कितना आएगा 65 और 65 में दो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 67 अगली जोड़ेंगे तो ऐसे। तो नेक्स्ट हमारे पास 6वीं, यहाँ पे 7वीं, फिर यहाँ पे 8वीं। तो आप देख सकते हैं कि 8वीं कौन सी हो सकती है संख्या, तो 8वीं आएगा 67 नंबर, राइट। तो आपका आंसर तुरंत आया और वैसे भी हम कहते हैं इसको मिटा दो दो मिनट के लिए, और आपको मैं कराता हूं क्वेश्चन जल्दी से, देखिए ध्यान से। जैसे आपको बिना पेन उठाए जैसे आप समझिए कि 8 संख्याएं हैं, बात को हम मारे आंखों को देखिए ध्यान से कि 8 संख्याएं, 8 में से एक संख्या बीच में हो गई, 4 इधर हो गई, 4 इधर, तो 4 के पांचवी हमारी मध्यमान हो गई, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 8 और बीच की क्या हो गई 9 संख्याएं होंगी। तो 4 के बाद पांचवी जो होगी हमारी मध्यमान होगी, हमको निकालनी 8वीं। तो हम संख्याओं के योग को, संख्याओं का योग कितना है 549, देखिए 549, 549 को जब हम, कितनी संख्याओं का योग है 9, कितनी संख्याओं का योग है 9, तो 9 संख्याओं से जब भाग करेंगे, संख्याओं के योग को जब संख्याओं से भाग करेंगे, दो 549 को जब 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 9 से भाग करेंगे कितना 9 6 54 6 और 9 91 तो कितना आ गया 61। जब पांचवी 61 आ गई, विषम 61 आ गई, तो छठवीं कितनी हो गई भाई 63 हो गई, फिर अगली कितना हो गई 65 हो जाएगी, अगली कितना हो गया 67 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया 67 हो गया तो 8वीं संख्या। तो इस तरीके से विदाउट पेन उठाए 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चंस को करते हैं, इतना तेज करने का तरीका आपने देखा होगा, शायद ये पहली बार देख रहे होंगे यूट्यूब पे। तो इस तरीके से बहुत जल्दी से क्वेश्चनों को करेंगे और आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके मिलेंगे करने के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हुए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये तो रहा छोटा सा, अब इसी में बात करूं विषम संख्याओं की, बात करूं जहां पे 19 की बात कर लेता हूं। देखिए यहां पे, अब यहां पे 19 क्रमागत मतलब यहां पे 19 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ये देखिए 19 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 19 है, 5719 है। तो यहां पे आपको 7वीं विषम संख्या याद करनी है, 7th विषम ऑड नंबर याद करना। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सम ऑफ 19 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 5719, 5719 है, तो देन फाइंड 7th ऑड नंबर। तो 7वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिए, राइट। तो आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं बहुत ध्यान से, ऐसे ही हम यहाँ पे लाइन थोड़ा सा खींचते हैं, यहाँ पे रखते हैं कि हमारा यहाँ पे मध्यमान होगा, मध्यमान होगा, क्या होगा मध्यमान होगा। और कैसा होगा, यदि 19 है तो 19 को भाई आधा तो कर नहीं पाएंगे, एक मध्यमान बीच को मान लीजिए, इधर 9 कर लीजिए, इधर 9 कितना हो जाएगा 18, मतलब 9 संख्याएं हमारी इधर हो जाएंगी, इधर देखिए इधर ऐसे ही 9 संख्याएं इधर मान लेते हैं और 9 संख्याएं इधर, ऐसे कि 9 संख्या है, 9 9 18 और एक बीच में कितनी हो गई पूरा 19 संख्याएं हो गई। तो यदि यहाँ पे पहली होगी, यहाँ पे ऐसे दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी, पांचवी, छठवी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, तो यहाँ पे ये कौन सी संख्या होगी 10वीं, ये कौन सी होगी 11वीं, ऐसी 12वीं 13वीं, यहाँ पे 19वीं संख्या होगी, राइट। तो इस तरीके से हो गई, तो समझ में आ गया कि बीचों बीच का जो मान होगा हमारा 10वीं संख्या होगी, कौन सी होगी 10वीं होगी, भाई 9 इधर हो गई तो 10वीं और भाई 9 इधर हो गई, कुल मिलाकर 19 हो गई। तो आते हैं मध्यमान निकालने के लिए संख्याओं को योग को, संख्याओं के योग को संख्याओं से भाग करते हैं, 5719 को जब 19 से भाग करते हैं तो आएगा MB, MB का मतलब समझ के मध्यमान, मिड वैल्यू, 19 57 और डबल अंक लेंगे 0 19 1 19, 301 आया, कितना आ गया 301। तो हमारी संख्या समझ में आ गई कि बीचों बीच का मध्यमान जो आया
301 है, राइट। वो भी कैसा है, विषम। अब यहाँ कभी सम नहीं आ सकता भाई, विषम संख्याओं की बात हो रही, दसवीं विषम है तो भाई विषम ही आएगा भाग करने के बाद में। तो दसवीं के बाद पहले नौवीं, फिर यहाँ पे आठवीं, फिर यहाँ पे सातवीं। बात को समझने का प्रयास करें कैसे करेंगे। तो 301 के पहले 299 होगा, 299 के पहले भाई दो दो कम करेंगे तो 297 होगा, 297 के पहले 295 होगा, कितना 295, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सातवीं संख्या क्या होगी कि यहाँ पे 301 हो गया, 301 के पहले यहाँ पे दो कम किया 299 और दो कम किया 97, दो कम किया 95, तो आ गया 295, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सातवीं संख्या 295 होगी। तो आते हैं विदाउट पेन उठाए फिर से करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, यहाँ पे करते हैं, आते हैं बात करें। देखिए ये तो 19 क्रमागत की बात किया, 19 का मतलब एक संख्या बीच में हो जाए, बची 18 के 9 संख्या इधर और 9 संख्या इधर, 9 18 और बीच में आएगी दसवीं संख्या। दसवीं संख्या हमको समझ में आ रही कि दसवीं क्या होगी, वो एकदम क्लियर है कि संख्याओं की योग को संख्याओं से भाग करेंगे तो आएगा मध्यमान, और ये है संख्याओं का योग 57 19। 5719 को जब 19 से भाग करेंगे आएगा 301, 301। तो 301 तो दसवीं संख्या आ गई, 10th नंबर आ गए, उसके पहले दो कम करेंगे 299 होगा, कौन सी होगी नौवीं, फिर दो करेंगे 297 होगा, वो होगी आपकी कौन सी होगी आठवीं, और फिर दो कम करेंगे आ गया 97 से दो कम करेंगे आएगा 95, और कितना 295, वो होगी आपकी सातवीं। तो सातवीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 295 हो जाएगी आपकी 7th नंबर, राइट। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो क्रमागत सम संख्याओं पर होता है, एक बड़े बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप लगे रहिए बहुत ध्यान से, आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छा आ रहा होगा, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब होगा उतना ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे आप। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका क्वेश्चन, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। आप बड़े बड़े क्वेश्चन को, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आप ले लीजिए, उसको सेकंडों में करवाते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं 49 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 49 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 49 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे पूछने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे 24th या 25th 24वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इंग्लिश में कि सम ऑफ 49 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 4949, देन फाइंड आउट 24th ऑड नंबर। तो याद रखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 49 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है, जिसमें 24वीं आपको निकालनी है। तो आते हैं कैसे निकलेगा, इस बात को बहुत ध्यान से देखिए, क्या 49 है तो 49 का आधा नहीं करेंगे, बीच में एक फिक्स कर लिया जाए, बचेगा कितना 48, 48 का आधा आधा इधर उधर करिए, 48 का जब आधा आधा आप करेंगे, एक संख्या यहाँ पे MB के तौर पे मिली गई मध्यवान में, तो इसके पहले होगा 48, मतलब यहाँ पे 24 संख्या इधर 24 इधर, मतलब 24 संख्या इधर होगी 24 संख्या इधर, 24 कितना हो गया 48, और बीच की संख्याएं क्या होंगी 25वीं संख्या होगी, और इसके पहले क्या होगी 24वीं संख्या होगी, राइट। इसके पहले इधर क्या होगी आपकी 26वीं संख्या होगी, वो भी कैसी होगी, ऑड होगी। आते हैं हम बात करते कैसे निकलेगा, तो उसकी बात करते हैं। तो संख्याओं के योग कितना है 49 दिया हुआ है, और इसको भाग करेंगे 49 से, जितनी संख्याएं होंगी उनसे भाग करते हैं, संख्याओं के योग को संख्याओं से भाग करते हैं, तो आती है MB, मतलब मध्यमान, और मध्यमान जो आएगा 49 डबल अंक लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे 49, तो यह आ गया 101। तो MB हमारी जो मिली यहां पे 101 मिली, देखिए
101 मिली हमारी एमबी जो आई उन 101 मिली और पूछी गई 24वीं संख्या, मतलब इसके पहले वाला नंबर चाहिए, तो 101 में से बताओ कितना कम करें उसके पहले की संख्या विषम अचर। यदि 3 है तो अगली विषम क्या होगी? 5 होगी। यदि 5 होगी तो उसके पहले क्या होगी? 3 होगी। कैसे? 2 जोड़ा या 2 घटाया। तो बैक होना है तो 2 कम करेंगे, और कम करेंगे तो 101 में से जैसे ही 2 कम करेंगे अगली विषम, पिछली विषम करने के लिए, तो ये हो गई 99। तो आपको ये 24वीं विषम संख्या आपको मिल गई कि 24th विषम या ऑड नंबर जो होगा हमको 99 मिला। तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन मिल गया। तो देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, अन्यथा हम सीधा सीधा विदाउट पेन और कॉपी का करेंगे। कैसे करेंगे आते हैं, फिर से एक बार एनालिसिस करते हैं। ये है हमारी 49 संख्या, बीच की एक संख्या हो गई, बाकी इधर इधर कितनी बचेंगी? 48 होंगी। तो 48 में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये बीच की एक संख्या मिली, 24 इधर हो गई, 24 इधर हो गई, एक यहाँ पे हो गई 25वीं, बीच की क्या हो गई 25वीं, और यहाँ पे हो गई 24, 24 इधर, 24 इधर, 24 और 24 48, और बीच में हो गई 49। तो बीच की हुई 25वीं संख्या है, 25th नंबर जो है वो मिड वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। हम डिवाइड किसको करेंगे? 49 को। कितनी संख्याओं का योग है? 49, 49 संख्याओं का योग है। यदि 49 संख्याओं को 49 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, भाग करेंगे तो 101 आएगा। तो हमको समझ में आ गया मध्यमान, मध्यमान कौन सी संख्या है? 25वीं। 25वीं संख्या हमारे पास कौन सी हो गई? 101 हुई, तो उसके पहले विषम कौन सी होगी? ऑड नंबर कौन सा होगा? 101 के पहले आएगा 99। तो हमको समझ में आ गया कि 24वीं संख्या 99 आ गई, राइट? तो इतना समझ में आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम करते हैं। और याद रखिए, कुछ लोग समझ आ रहे हैं कि सर 25 क्रमागत के अलावा आप 24 क्रमागत बताइए, तो मैं उसको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पूरा वीडियो या अंत तक देखते तो आपको 100% कभी भी आपको क्रमागत संख्याओं पर कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी रोने और बिड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि सर ये तो कॉन्सेप्ट काम नहीं। जितना मैं बता देता हूँ उससे बाहर क्वेश्चन आता भी नहीं, सारे कॉन्सेप्ट उससे फॉलो करेंगे। ये आप कोई भी हमसे ऑफलाइन पढ़ा होगा तो उसको जानता होगा। तो आते हैं हम, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैसे आएगा ये अगला क्वेश्चन वो देखिए ध्यान से। तो आपका अगला क्वेश्चन जो रहा वो रहा यहाँ पे कि यहाँ पे 51 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा, ये आप देखने का प्रयास करें कि 51 क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 100। देखिए तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना वो आप देखने का प्रयास करें। यहाँ पे 27th सम संख्या निकालनी है, राइट? 27 सम संख्या। अब मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ क्या होगा कि यहाँ पे 51 क्रमागत सम संख्याओं का योग 10,200 है, राइट? तो आपको निकालनी 37वीं सम संख्या, मीन सम ऑफ 51 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दिस 10,200, देन फाइंड आउट 27th इवन नंबर, राइट? तो आते कैसे बात करते, सेम वही है। इसके बाद मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, जब बीच में नहीं आएगा तब क्या करेंगे सर, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा और इसको लगाने का प्रयास करें सब लोग। आते हैं बात करते हैं, ये हो गई संख्याएं पूरी। भाई हम टोटल मिला के 51 और 100-200 संख्याओं को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं कि एक संख्या बीचों बीच में मानेंगे, वो कौन सी संख्या होगी आप भी नहीं जान सकते, हम भी नहीं जान सकते, लेकिन जानने का प्रयास करते हैं। यदि 50 होती तो 25 इधर 25 इधर, और 51 है तो बीचों बीच में आ गया ना। तो आपको समझ आ गई, 25 संख्याएं इधर हो गई, 25 संख्याएं इधर हो गई, 25 25 50, और 26वीं संख्या कहाँ पर होगी, राइट? 26वीं संख्या ही हमारी मिड वैल्यू मध्यमान है, एमबी है, मध्यमान। बीचों बीच का लोकेशन ट्रेस हो गया, या बीचों बीच का लोकेशन आ गया कि बीचों बीच का जो मान है हमारा कौन सी है, 26वीं संख्या हो गई। इसके पहले क्या होगी? 25वीं होगी। इसके पहले यहाँ फिर बाद में क्या होगी? यहाँ पे ऐसे 26वीं जगह 27वीं संख्या होगी, राइट? आगे 28 29 ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, लास्ट में क्या होगी? 51। और पहले इधर क्या होगी? फर्स्ट पहली संख्या होगी, राइट?
तो इस तरीके से बात करते हैं। आते हैं बात करते हैं कि संख्याओं के योग को, संख्याओं के योग को किससे भाग करेंगे, इस बात को देखना कितनी संख्याओं का योग है। 51 संख्याओं का योग है तो 51 संख्याओं के योग से भाग करते हैं 2। ओके, 51 51 2 102, दो बार गया और ये आ गया 200। तो MV मतलब मध्यमान का योग जो आया, ये मध्यमान जो आया वो 200 आया। कितना आया यहाँ पे? 200 आया है। और 200 तो पता हो गया कि मध्यमान कितना है, 200। राइट, तो मध्यमान 26वीं संख्या हमारी, यदि 200 है तो 27वीं संख्या 27 हमारा कौन होगा, सम कौन सा होगा? आप बता सकते हैं कि 202 होगा, क्योंकि दो जोड़ेंगे तो अगली संख्या आपको मिल जाएगी। तो 202 अगली संख्या आपको मिल गई, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ाता हूँ, इसके टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसी में सारा लॉजिक छुपा हुआ है, सब कुछ उसी में है, ध्यान से रखिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से देखते रहिए कैमरेस को। यहाँ पे आते बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से बढ़ते हैं, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, तो बढ़ते हैं कि क्वेश्चन 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 8 क्रमागत, कितनी, अभी तक 9 क्रमागत होती थी लेकिन अब कितना होगा, 8 क्रमागत। अब आपको बीच का नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे 8 क्रमागत संख्याओं का योग 824 है। 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग 824 है, और आपको निकालनी कौन सी संख्या है, इस बात को ध्यान से देखिए, को आपको निकालनी है 5वीं सम संख्या। कौन सी? 5वीं सम संख्या। तो कैसे निकालेंगे, इस बात को गड़बड़ हो जाता है, नहीं समझ में आता है कि सर अब क्या करें, 8 है तो यहाँ पे 8 लकीरें यदि खींच लेते, 4 ये हो गया और 4 ये खींच ले, तो 4 इधर 4 इधर, तो बीच का मिला ही नहीं हमको, गड़बड़ हो गया। लेकिन शायद आपको गिनतियों का आभास नहीं है, तो गिनतियों का जो एहसास हम लोग का आभास नहीं है, उस चीज़ का आभास करते हैं, क्योंकि हम लोग लगता है कि गिनतियाँ 1 2 3 आती है, तो आते हैं हम गिनतियों को सीखने का फिर से प्रयास करते हैं, उसी में सबको राज छिपा हुआ है, तो आते हैं ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग गिनती बात करते हैं, यहाँ पे कैसी संख्या बोल रही है, 8 क्रमागत सम संख्याएं, तो लेते हैं सम संख्याएं 2 4 6 8, तो ये कितनी है सम, कितनी सम है, सम कितनी है 4, इनको जोड़ते हैं 2 और 4 6 6 12 8 20, इनका योग कितना आता है 20। और कितनी संख्याओं से भाग करना है, 1 2 3 4, जब 4 से भाग करते तो आना क्या चाहिए, मध्यमान, मध्यमान, तो देखिए मध्यमान कितना आ गया 5। तो आप समझ गए हैं कि मध्यमान कितना आएगा, बीचों बीच का मान आएगा, और जो आ भी रहे आ रहा है, लेकिन ये हमको एहसास नहीं कि दो सम संख्याओं के बीच में कैसी संख्या है, क्या विषम संख्या आएगी। देखिए ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो मतलब दूसरी और तीसरी के बीच में हमारा मध्यमान मिड वैल्यू बिलोंग करेगा, और जो कैसा होगा, ये सम होगा और ये सम होगा, देखिए, और दो सम के बीच में कैसा होगा, विषम संख्या होगी। मतलब अब मध्यमान जब क्रमागत सम संख्याओं की बात करें और जब बीच का मान नहीं आता, मिलता नहीं है, तो जो मध्यमान का होगा, यदि क्रमागत सम पूछा तो बीच का मध्यमान विषम आएगा, और क्रमागत विषम पूछा तो मध्यमान कैसा आएगा, सम आएगा, इस बात को ध्यान देना है। तो दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या, दो विषम संख्याओं के बीच, दो टू ऑड नंबर के बीच में एक इवन, और टू इवन के बीच में एक ऑड नंबर होगा, राइट। तो आते हैं बात करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा यहाँ पे, यही ध्यान देना होता है, यही हम लोग को पता नहीं होती, इसलिए क्रमागत के लिए, कॉन्जिक्यूटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई का प्रयोग करते हैं। तो आज से आपको एक्स वाई का कोई यूज नहीं करना है, क्रमागत के एक्स एक्स प्लस दो भूल जाइए जीवन से, है तो वही सारी चीजें, लेकिन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, और यहाँ पे हम एक दूसरे से कम नहीं, इस बात को लेकर चलते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वो शिक्षक हो चाहे अदर कोई भी, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ध्यान देना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और ये रहा आपका किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ये आपका 8 रहा, तो 8 हम लकीरें खींच देते हैं ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब पूरी यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यह हो गया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 4 संख्याएं यहाँ पे हो गई, 4 इधर, मतलब ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं,
सब ये संख्याएं आपको मिल गई। अब इतनी संख्याएं मिलने के बाद मध्यमान कहाँ होगा, आपको दिखाई दे रहा है। अब मध्यमान कहाँ होगा, यहाँ पे होगा बीचों बीच, मतलब यहाँ पे चौथी और पांचवी के बीच में यहाँ पे मध्यमान होगा। क्या होगा, मध्यमान, मिड वैल्यू जिसको बोलते हैं यहाँ पे। ये कैसी संख्याएं हैं, सारी सम संख्याएं। ये कैसी सम संख्याएं, सम संख्याएं हैं, लेकिन ये कैसी होगी, मध्यमान विषम। मैंने बताया अभी कि सम संख्याओं के बीच में दो सम संख्याएं हो, चाहे जितनी सम संख्याओं के बीच में, दो सम संख्याओं के बीच में चौथी और पांचवी के बीच में कैसा मध्यमान होगा, विषम होगा, और विषम होती तो सम होता, राइट। तो आते हैं इसको डिवाइड करते हैं, 824 को जब हम यहाँ पे आठ संख्याओं से भाग करते हैं तो आता है MB, मतलब मध्यमान, और ये आता 8 × 1 = 8, और डबल अंक लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 × 3 = 24, तो मध्यमान हमारा कितना आ गया, 103 आ गया, मीन 103 आ गया। तो 103 आपको समझ में आ गया कि मध्यमान 103 आ गया। अब हमको संख्याओं का लोकेशन आ गया कि नंबर्स का लोकेशन कहाँ पे है, मतलब नंबर का लोकेशन जो दिख रहा है वो फोर्थ और फिफ्थ नंबर के बीच में दिख रहा है, फोर्थ और फिफ्थ नंबर के बीच में लोकेशन जो ट्रेस हो उसके नेक्स्ट नंबर जो होगा हमारे पास। देखिए हमने पूछा कौन सी संख्या, पांचवी, तो नेक्स्ट पांचवी संख्या आपको समझ में आ गई होगी, पांचवी कौन सी होगी। विषम से हमको कहाँ पे जाना है वो देखिए, ये विषम है, अगली हमको फाइंड आउट कौन सी करनी है, पांचवी सम फाइंड आउट करनी। और एक विषम से सम जाने के लिए गिनतियों का एहसास होना चाहिए आपको, यदि एहसास नहीं तो एहसास करिए। या चौथी ये सम है तो अगली विषम के लिए एक जोड़ेंगे, विषम है तो सम के लिए एक जोड़ते हैं। तो एक सम से विषम जाने के लिए सिर्फ एक ऐड करते हैं, और सम से सम के लिए दो, विषम से विषम जाने के लिए दो, सम से सम जाने के लिए दो, लेकिन विषम से सम जाने के लिए सिर्फ एक जोड़ेंगे, और बैक होने के लिए एक घटाएंगे, पीछे के लिए घटाएंगे, आगे के लिए एक जोड़ेंगे, लेकिन सम से सम के लिए आगे जोड़ेंगे, पीछे उतना ही घटाएंगे, राइट। तो यहाँ पे विषम 103 है, अगली सम संख्या 104 होगी, तो आपको समझ में आ गया कि 104 कैसी होगी, ये पांचवी हमारी सम संख्या होगी। किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं इस बात को आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ध्यान से। अब हम बात करते हैं एनालिसिस विदाउट पेन और कॉपी का, तो आते हैं बात करते हैं, ये रही हमारी आठ संख्याएं, चार इधर और चार इधर, फिर यहाँ ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारी चार और चार संख्याएं, ये भी सम, ये भी सम, तो ये चार और चार कितनी हो गई, आठ संख्या। बीच में एक ऐसा होगा इंसान जो ये अंगूठा दोनों है, ये पांच देख लेते हैं, ये चार और ये चौथी, ये पांचवी, ये हो गया बीच का मध्यमान। जब हम भाग करते हैं और ये पता है कि ये सम है ये भी सम है, तो बीच का क्या होगा, विषम संख्या होगी। जब यहाँ पे 824 को हम 8 से भाग करते हैं तो 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, तो आएगा 103। अब ये तो हो गया 103, 103 के बाद सम क्या होगी, पांचवी, बोली पांचवी की, ये चौथी, ये पांचवी, और बीच में क्या है 103, तो 103 के बाद कौन सी होगी, 104, तो आपका आंसर आएगा ए 104। तो आपका आंसर आपके हाथ में विदाउट पेन और कॉपी, 5, 5, 6, 6, 4, 4 सेकंड, जितनी तेज आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतनी तेज, उतनी जल्दी से आपका आंसर आपके सामने आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन विषम संख्याओं पर रहेगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो विषम संख्याओं पर रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा अगला विषम नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका यहाँ पे 16 क्रमागत, कितना 16 क्रमागत विषम संख्याओं, 16 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अच्छा 16 क्रमागत है तो भाई 8 इधर 8 इधर हो जाएगी, बीच में कैसी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो यहां पे बात करते हैं 3200, तो आपको फाइंड आउट करना है दसवीं, टेंथ, और भी कैसी टेंथ संख्या, यहां पे विषम संख्या ज्ञात करनी है, संख्या निकालनी है आपको, राइट। तो दसवीं संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, दसवीं। अब आप समझिए 16 है तो यहाँ पे 16 लाइन तो खींच नहीं सकते, तो लेकिन एक बीच में MB होगा, आठ संख्याएं इधर होगी, आठ इधर होंगी, और ये सारी कैसी होंगी, विषम, ये कैसी होंगी, विषम, ये विषम होगी। आठ ही संख्या, ये पहली दूसरी तीसरी, ऐसे आठवीं संख्या यहाँ पे होगी, राइट, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं ऐसी आठवीं, आठवीं के बाद यहाँ पे कौन सी होगी, नौवीं,
वैसे 9वीं 10वीं 11वीं यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे 16वीं संख्या। तो यहाँ पे 8 संख्याएं इधर 8 इधर, दो 8वीं और 9वीं के बीच में कैसा होगा, मध्यमान होगा हमारा, मिड वैल्यू होगी यहाँ पे, और मिड वैल्यू कैसी होगी, सम होगी। कैसी होगी, सम संख्या होगी, क्योंकि दो सम संख्याओं के बीच में, दोनों सम संख्याओं के बीच में विषम और दो विषम के बीच में कैसी, सम। अब आपको समझ में आ गया कि इसको हम भाग करेंगे, 3200 को हम भाग करेंगे कितनी संख्याओं से, 16 क्रमागत संख्याओं से, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दोनों 32 कितना आ गया, 200। तो आपको समझ में आ गया कि MB कितना आया हमारा, 200 आया, कितना आ गया, 200। तो हमको समझ में आ गया कि 200 हमारा क्या आ गया, मध्यमान आ गया। हमारा मध्यमान कितना आया, 200 आ गया, तो हमारा मध्यमान समझ में आ गया 200 हो गया, राइट। 200 हमारा मध्यमान आ गया, और सम के, अब मध्यमान की अगली कौन सी होगी, यहाँ पे 9वीं, फिर यहाँ पे 10वीं संख्या। तो बात को समझिए, 200 के बाद विषम कौन सी होगी, 201, 200 के एक के बाद क्या होगी, 203। तो हमारी जो 10वीं संख्या होगी, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सम के बाद विषम जानना है तो एक जोड़ना है, तो 201 हुआ, एक जोड़ा, फिर विषम से विषम जा रहे हैं, राइट, ये विषम है अगली, फिर विषम, तो दो जोड़ेंगे, तो 203 हो गई, यही हमारी 10th नंबर हो गया। तो हमारा आंसर जो हो गया 203 हो गया, और अब बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आता है। वैसे भी 16 क्रमागत संख्याएं एक्स एक्स मान करके करना पॉसिबल नहीं था, ये आपको भी भली भांति पता है कि क्रमागत संख्याओं में ये 16 क्रमागत होती और एक्स वाई मान करके करते, मान करके करने में हालत कैसी होती आपको पता, 49 क्रमागत मान करके करते कैसी हालत होती आपको बहुत एहसास है इस बात का। तो आपको आंसर आपका आया 203, ये राइट आंसर है, क्लियर। तो 203 आपका आंसर आया, तो आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन अगला नेक्स्ट और लेते हैं हम क्वेश्चन, यहाँ पे बड़ा नंबर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा से और अच्छा लगे। 48 विषम, 48 क्रमागत, 48 क्रमागत, लेकिन इसके पहले मैं एक मिनट मैं एनालिसिस कराता हूँ फिर से। जैसे मैं 16 संख्याओं की बात करता हूँ कि ये रही 16 संख्याएं, 8 संख्याएं इधर 8 इधर, 8 8 16 संख्याएं, बीच में आएगा आपका मध्यमान। ये संख्याएं और ये संख्याएं जो 8 8 हैं वो कैसी हैं, विषम, मतलब ये भी विषम, ये भी विषम, और बीच में कैसी हो जाएंगी आपकी सम संख्या। जब हम संख्याओं के योग को किससे भाग करेंगे, 16 से, तो आपका मध्यमान जो आएगा 200 हो जाएगा। और देखिए 8 इधर है और फिर 9वीं इधर हो जाएगी, बीच में मध्यमान, मध्यमान 200 आ गया, 9वीं कितना हो गया, 200 में एक जोड़ा, सम के बाद विषम जाना है तो 201, और विषम से अगली विषम में जाना है 10वीं में, तो 201 में दो जोड़ा कितना हो गया, 203। तो आपका आंसर यहां पे 203 विषम संख्या आ गई। तो इस तरीके से एनालिसिस करेंगे, 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 48 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो होगा आपका यहां पे 48 48 0, राइट। तो ये आपका यहां पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और आपको निकालना कौन सी संख्या, ये आप देख लीजिए ध्यान से, यहां पे आपको निकालनी है 26वीं विषम संख्या, राइट। तो बहुत ध्यान से देखिए, आसानी से ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और कैसे करते हैं आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कमेंट करिए तुरंत फटाफट, है ना, कितना आएगा आंसर आप देख सकते हैं। तो आसानी से ऐसे ही खींचना है, और बीच में मध्यमान करना है, 24 संख्याएं इधर 24 इधर, 24 24 हो गई 48, 24वीं यहाँ पे, 25वीं संख्या यहाँ पे होगी, अगली 26वीं होगी, आपको निकालनी 26वीं। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 26वीं संख्या, ये पहली होगी फर्स्ट, ये पहली, ऐसे बढ़ते रहेंगे 24 संख्या हो गई, 24वीं और 25वीं के बीच में आपकी हो गई मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान कितना आएगा आप देख सकते हैं, जब इसको हम किससे भाग करेंगे 48 से, तो आएगा मध्यमान। तो मध्यमान कितना आएगा, 48 41 48, डबल अंकर ले रहे हैं 0, फिर 48 41 48 लास्ट में 0, तो 10 10 आएगा, देख सकते हैं। तो मध्यमान हमारा आ गया 1 0 1 0, 10 10। तो मिड वैल्यू आपको आ गई, मध्यमान 10 10 आ गया, 26वीं क्या होगी आप समझ गए, 1 जोड़ेंगे 1 0 1, देख रहे हैं, 1010 था तो 1000 कितना हो गया, 11। अगली विषम की बात करूं तो 2 जोड़ेंगे 1000 कितना हो जाएगा, 13, राइट।
तो आपका 26वीं संख्या 1013 हो गई, आसानी से आ गया। 48 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिस दिया था, आपको निकालना था 26वीं संख्या, तो हमने संख्याओं के योग को किससे भाग किया, जितनी संख्याओं का योग था 48, 48 से भाग किया आया 10, 10 और 10, 10 हमारा मध्यमान आया 24 और 25 के बीच में, तो 10, 10 के अगली संख्या जो होगी सम के बाद अगली क्या होगी, विषम होगी, क्योंकि ये भी विषम थी, ये भी विषम थी, दो विषम, इन दोनों विषमों के बीच में कैसी आएगी सम, जो समाई है, अगली क्या होगी विषम। 25वीं विषम ये हो गई 1011, अगले विषम होगी दो जोड़ेंगे 1013, तो आपकी 26वीं संख्या 1013 आई। शायद आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेंगी 11 बजे रोज आपकी लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी डेली मैथ की। और दूसरी बात, अब सीटेट के लिए पर्टिकुलर डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, सीटेट का डेली रोज मैथ का सेक्शन, साइकोलॉजी का सेक्शन, सीडीपी जिसको बोलते हैं, हिंदी का सेक्शन, संस्कृत सेक्शन और ईबीएस का और इंग्लिश का, सबका आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 20 से 25 दिन में लगभग आपको अच्छे से करवा दी जाएंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाएगा। जुलाई में पेपर होता है तब भी, और नहीं होता तो आगे कंटिन्यू रहेगी, रिवीजन होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, माय एकेडमी में।